तैयार हो जाइए, प्यासा हो जाइए, पवित्रात्मा और जो ज़्यादा से आप में भरने के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया, बोलिए यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, तू मेरा मुक्ति दादा है, तू मेरा मुक्ति दाता है, तू मेरा शक्ति दादा है, तू मेरा शक्ति दाता है, तू मेरा जीवन का मार्ग है, तू मेरा जीवन का मार्ग। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं स्तुति करता हूँ, मैं स्तुति करती हूँ, आराधना करता हूँ, आराधना करती हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, तू मेरा शांति दाता है, तू मेरा शांति दाता है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, तू मेरा मुक्ति दाता है, तू मेरा मुक्ति दाता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू ही संसार का ज्योति है, तू ही संसार की ज्योति है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू संसार का ज्योति है, तू संसार की ज्योति है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सब लोग जोर से हे प्रभु यीशु, तू मेरा सच्चा गडरिया है, तू मेरा सच्चा गडरिया है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा सच्चा गडरिया है, तू मेरा सच्चा गडरिया है, तू मेरा जीवन का मार्ग है, तू मेरे जीवन का मार्ग है, तू मेरा जीवन का रोटी है, तू मेरे जीवन का रोटी। ऊंचे आवाज़ से, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का मार्ग है, तू मेरे जीवन का मार्ग है, तू मेरा जीवन का मार्ग है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन का जीवन है, तू मेरे जीवन का जीवन है, तू मेरे जीवन का जीवन है। हे प्रभु यीशु, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू मेरा शांति दाता है, मेरा शांति दाता है। आइए घुटने टेक कर प्रभु को आराधना कीजिए। हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना,
अभी हम प्रभु को हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु है, प्रभु ने हमें सृष्टि किया है, उनके अपने छाया में सृष्टि किया है, उन्होंने सब कुछ वरदान दिया है और हमें तैयार किया है। अभी सिर्फ जैसे माता मरियम से गैब्रियल महादूत ने आके कहा, क्यों कहा, उनको तो ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, पिता परमेश्वर माता मरियम का सम्मत लेता है। क्या तुम उसके लिए सम्मत है, क्या तुम्हारा मन कैसा है, तुम इसके लिए जीवन समर्पण करने के लिए तैयार है क्या? बस माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा होने दीजिए। यही हम लोगों का हमें करना है। आइए आप दोनों हाथ फैलाते हुए प्रभु को पूर्ण रूप से अपना जीवन को समर्पण करो। हे प्रभु, मुझे इस्तेमाल कीजिए। प्रभु प्रभु ने पूरा जीवन खून बहाकर, आग्री खून खून भी हमारे लिए बहाकर समस्त संसार के लिए अपना जीवन अर्पण किया। हमारा ईसाई जीवन भले घर का हो, नहीं तो कलेसिया कॉन्वेंट में है, ये अर्पण जीवन है। जैसे हमारे माँ बाप बच्चों को पालन पोषण करने के लिए उन्होंने जीवन अर्पण किया, वैसा ही ईश्वर की इच्छा अनुसार पवित्र आत्मा का शक्ति से पवित्र जीवन बीतने के लिए प्रभु सब कुछ दिया हुआ है। इन दिनों पर आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब में प्रभु ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम हमारा हमारे और से एक ही जीत करना है। हे प्रभु, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे इस्तेमाल करो, मेरा जीवन आपके हाथ में देता हूँ, और मैं जो कुछ भी योजना बना रहा वो पालन नहीं है, वो तो ईश्वर का योजना है क्या? लेकिन ईश्वर जरूर हमारे बारे में योजना बना चुका है। क्या आप तैयार हैं ईश्वर का योजना में आप सहमत होने के लिए तैयार है क्या? कितने लोग तैयार है तो बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन, मेरा जीवन आपका हाथ में, आपका हाथ में मैं सौंपता हूँ, मैं सौंपता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए, सुसमाचार के लिए, सुसमाचार के लिए, समस्त संसार का मुक्ति के लिए, समस्त संसार के मुक्ति के, मैं आपके साथ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। तूने कहा, तूने कहा, तू सच्ची दाखलता हूँ, मैं सच्ची दाखलता हूँ, और हम सब तुम्हारे डालियां हैं, और हम सब तुम्हारे डालियां। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हम सब लोग आपका डालियां हैं, हम सब आपका डालियां हैं। पवित्र आत्मा को हमें भेजिए, पवित्र आत्मा को हम पर भेजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर, पवित्र आत्मा का वरदानों से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर, मेरा जीवन को पवित्र बनाइए, मेरे जीवन को पवित्र बनाइए, मेरा परिवार को पवित्र बनाइए, मेरे परिवार को पवित्र बनाइए, मेरा जिंदगी को पवित्र बनाइए, जिंदगी को पवित्र, हे प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा, उत्तर आइए, उत्तर आइए, नई शक्ति दीजिए, नई शक्ति दीजिए, नई जीवन दीजिए, नई जीवन दीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हे प्रभु यीशु,
तू मेरा जीवन दाता है, मेरा जीवन दाता है प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। आज सब लोग खड़ा होकर जोर से, पूरा जोर से दोहराएगा, प्रभु यीशु को स्तुति करेगा। स्तुति करते करते पवित्र आत्मा से प्रार्थना भी करते रहेगा। उसके बाद मैं और फादर जी आकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। तो अभी प्रभु को स्तुति करते वक्त पवित्र आत्मा उतरने चालू हो जाता है। अब पूरे हृदय से प्रभु को स्तुति कीजिए, दोनों हाथ उड़ाते हुए, यीशु 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 की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। मेरे पीछे घबराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु मेरा मुक्ति दादा है, यीशु मेरा मुक्ति दादा, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, यीशु मेरा मुक्ति दादा है, यीशु मेरा मुक्ति दादा, यीशु संसार का मुक्ति दादा है, यीशु संसार का मुक्ति दादा है, यीशु मेरा परिवार का मुक्ति दादा है, यीशु मेरा परिवार का मुक्ति दाता, यीशु मेरा जीवन का मुक्ति दाता है, यीशु मेरे जीवन का मुक्ति दाता है, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन मैं सौंपता हूँ यीशु के पीछे मैं चलने लगा नहीं लौटेगा। एक गीत गाते हुए आप प्रभु को समर्पण कीजिए। एक गीत गाते हुए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटेगा। आइए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे से। और एक बार प्रभु से मांगिए,
प्रभु ने कहा मांगो दिया जाएगा। अगर तुम्हारा पुत्र रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा क्या? नहीं। जैसे ही मांगने वालों को पवित्र आत्मा को प्रचुर मात्र में देगा। सिर्फ मांगो और जो प्यासा हो मेरे पास आओ। तो आप लोग इतना दिन इसके लिए इधर आया है, प्रभु बुलाया है और प्रभु खाली हाथ नहीं जाता छोड़ता है आपको। बहुत पवित्र आत्मा को देने वाला है। दूसरा कुछ मत सोचो, पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु, मेरा जीवन संचालन कीजिए। तो अभी आप लोग ये प्रार्थना करेंगे, गायन मंडली, पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो, तो पवित्र आत्मा का सब कुछ फल धान के बारे में गीत गाते रहेगा। आप वो अपनाते हुए गाइए और फादर लोग और मैं आपके साथ आकर हर एक व्यक्ति को सिर पर हाथ लगा के प्रार्थना करेगा। थोड़ा आपका सामने थोड़ा जगह छोड़िए, वो कुर्सी थोड़ा है, कुर्सी सब थोड़ा सा आगे बढ़कर हम लोग आपका सामने आने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़िए। यहाँ पर कुर्सी सब थोड़ा सा आगे बढ़िए। और सुनिए, और एक बात सुनिए, जब पवित्र आत्मा आते वक्त किसी किसी को कुछ शरीर पर गर्म लगेगा, किसी को शरीर पर ठंडा लगेगा, कोई गिर जाएगा, वो सब आप फिगर मत कीजिए। थोड़ा देर बाद वो उठ जाएगा, तो आप कोई उसको मदद करने के लिए जाने का जरूरत नहीं है। जो गिरता है वो पवित्र आत्मा ही गिराता है, उनको आशीष देता है। और कोई ऊंची आवाज़ से चिल्ला है तो वो चिल्लाने दो, वो सब होएगा। इसलिए आप उसके बारे में सोचना नहीं, आप सिर्फ आपके ही बारे में सोचना है। आइए, तैयार है सब लोग? तैयार है? आप कुछ बोलना है तो। और एक बार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ आपके लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, मेरा जीवन, मेरा जीवन समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा को दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा को दीजिए, पवित्र आत्मा का सब वरदानों को दीजिए, पवित्र आत्मा के सब वरदानों को, सब वरदानों से भर दीजिए, सब वरदानों से भर दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा दीजिए, पवित्रता दीजिए, पवित्रता दीजिए। हालेलुया, 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 अंतर्यामी अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया,
अपनी कृपा अपनी कृपा अपनी कृपा अंतर्यामी पावन आत्मा अं
सादो निज वरदान निज वरदान निज Yeah.
अपनी खुशी
Yeah.
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे परम पावन पिता, हे परम पावन पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। और सब लोग तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और ऊंची स्वर से प्रभु को जय बोलिए, बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की जय, हमारे मुक्ति दादा की जय, संसार के मुक्ति दादा की जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुश हो गया, खुशी है। अभी अभी हम लोग कुटनी टेक कर प्रभु का इस शिविर का समापन आशीर्वाद के लिए सब लोग कुटनी टेक कर आशीर्वाद दीजिए। अभी ये आशीर्वाद प्रभु को देते वक्त हम भी दूसरों को आशीर्वाद देने वाला है। हम घर जाते वक्त ये सब आशीर्वाद लेके घर में, पड़ोसी में, सब लोगों पर ये आशीर्वाद का अनुभव होने के लिए आप प्यासा हो जाइए। और बनल ईसा मसीह का विशेष कृपा इन सभी लोगों के साथ रहे। ये शिविर में मिले हुए कृपा, अनुग्रह, आशीष इनके जिंदगी के लास्ट श्वास निकलने के साथ तक इनके साथ रहते हुए उनके आगे के भविष्य के लिए उनको कृपा आशीष आशीर्वाद दे। हमारी माता इनके लिए मध्यस्थ करें, सभी संत लोग इनके लिए मध्यस्थ करें, और सभी देवदूत लोग ये शिविर में अटेंड किए सभी लोगों को मिले हुए कृपा उनके साथ रहने के लिए उनके लिए मध्यस्थ कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। साद की स्तुति हो, आराधना हो और महिमा हो। अति पवित्र परम प्रसाद की स्तुति हो, आराधना और महिमा हो। अति पवित्र परम प्रसाद की स्तुति हो, आराधना और महिमा हो। प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य। सब लोग बैठिए। हमारे सारे टीम मेंबर लोग इधर हमारे साथ आओ, इधर यीशु की वेदी पर आओ। टीम मेंबर लोग सब मध्यस्थ प्रार्थना लोग वो किचन में और वो जो जो सेवा इधर करते वो सब लोग इधर आओ। जो जो चीज़ का आशीष मिलने वाला है वो पानी का बोतल और जो कुछ है आपके हाथ में पकड़ के रखो, इसमें आशीष के लिए हम प्रार्थना करते। रोसरी और पिक्चर और कुछ है और इधर रखने वाले उसमें आशीष करेगा।
मुश्किल नहीं है, मैं इधर रहेगा, आशीष देगा। वो जो हाथ में है उसमें पकड़ पकड़ के रखो। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सारे बच्चों ये शिविर में जो आया वो सब हम के लिए धन्यवाद देते हैं। अभी आज वो घर वापस जाते हैं, उनके साथ आशीष रखने के लिए चीज़ों में आपका पवित्र आत्मा का शक्ति से भर दीजिए, वो सबों में आपका शक्ति से भर दीजिए। ये चीज़ों के समीप में वो उन लोगों को कृपा मिल जाने के लिए, वो शैतान के सारे बंधन से छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति भरने के लिए प्रार्थना करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हालेलुया। अभी थोड़ा धन्यवाद का समय है, हम कितना कैसे धन्यवाद ब्रदर जी के देगा। देखो वो मूविंग स्टूडियो है ब्रदर, मूविंग स्टूडियो, स्टूडियो वीडियो स्टूडियो, मूविंग यूट्यूब चैनल। वो बहुत सेवा करते प्रभु को, वो हमको भी बहुत आशीष मिला इसके द्वारा, इसको धन्यवाद देने के लिए सिस्टर रोज को हम बुलाते हैं अभी ब्रदर जी को बहुत धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया, सब लोग हाथ उड़ा के हालेलुया ईश्वर को दे दे। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज बहुत बड़ा आनंद का दिन है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे बीच में बड़ा बहुत बड़ा कार्य किया है। स्तोत्र ग्रंथ 118 में 104 तक हमने जो ईश्वर को कैसे हमने धन्यवाद देना है, ईश्वर का वचन द्वारा हमको सिखा रहे हैं इन दिनों में। तो सबसे पहले हमने ईश्वर को धन्यवाद दे। स्तोत्र ग्रंथ 118 का वाक्य संख्या 1, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी धन्यवाद सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु को धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि ईश्वर ने हमको ईश्वर के पास में बैठने के लिए, ईश्वर के आवाज़ सुनने के लिए, कैसे ईश्वर के साथ में आवाज़ सुनना है, बैठना है, ईश्वरीय अनुभव करना है, इन दिनों में हमको सिखा रहे है हमारा ब्रदर थॉमस फोर्ड। इसलिए हम लोग ने हाथ उड़ा के ईश्वर को धन्यवाद दे। दोनों हाथ उड़ा के ईश्वर को 4 बार हालेलुया दे। हालेलुया, सारे दिल से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए एक महा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य किया है। वो क्या है? एक महीना में एक अनुभव से आप लोगों को बोलने से, जो पवित्र आत्मा का अनुभव करना, वैसी ब्रदर जी ने ये 4 दिनों में आप लोगों को सिखा रखे है। कितना लोग इसका अनुभव किया है, कितना लोग नहीं किया है, सब हमारा ईश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप लोगों को एक एक जन को देख करके सुन रहे थे आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए जो इनाम रख रहे थे। क्योंकि ये एक महीना पगले हमारे ब्रदर जी ने उनको टीम मेंबर्स, 4 टीम मेंबर्स को तैयार करके उन्हें जो हमारा डिवेन में जो भेजा था, क्या ये 40 दिन का उपवास प्रार्थना, जो दिन में जो पानी मैं अनुभव से, मैं आंख से देख करके मैं आप लोगों को बोल रहे थे, जो इधर आया हमारा भाई बहन, 4 मेंबर्स, 4 जन इधर आए थे डिवाइन में, वो चैपल में बैठ के 26 घंटा 24 आवर्स डे एंड नाइट
उन्हें जो हमारे लिए प्रार्थना किया, इसलिए वही अनुभव में आपको मैं बता के दे रही है। हमारे ब्रदर जी जो ईश्वर का अनुभव पाया है, इसलिए ईश्वर को मैं बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। 35 साल तक ईश्वर के साथ में बैठ के बड़े सुबह उठ के 3 बजे उठ के 1 घंटा पिता ईश्वर के पास में बैठ के पवित्र आत्मा का अनुभव करने के बाद में उनका ईश्वर का काम शुरू कर रहे हैं। 1 घंटा प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, वो व्यक्तिगत प्रार्थना स्वयं अनुभव कर